रूस और यूक्रेन बढ़ गए, और हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं झंझट जल्दी समाप्त हो, इसलिए भी प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो जब लड़ाइयाँ होती हैं तो वो सिर्फ एक कंट्री पे असर नहीं करती हैं, वो पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लेती हैं, मानव जाति को बड़ा कष्ट होता है। हमारे भी भाई बंधु, भारतीय भाई बंधु काफ़ी रशिया में भी हैं, यूक्रेन में भी हैं, वो सुरक्षित रहें। पूरी मानव जाति, सिर्फ हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते, हम तो चाहते सभी सुरक्षित रहें, और जो विश्व स्तरीय लीडरशिप है भगवान उनको इतनी सद्बुद्धि दे कि वो इस युद्ध वगैरह से ऊपर उठकर मानव जाति के विकास के लिए काम करें। ये मिसाइलें बनाना छोड़ना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मानव को एक स्वच्छ वातावरण में जीवन जीने के लिए, संस्कारी जीवन जीने के लिए ऐसा स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना, ये बहुत मुश्किल काम है। इस काम को बड़े बड़े विश्व स्तरीय लीडरशिप को करना चाहिए। आइए हम पूरे विश्व की शांति के लिए, रशिया ने यूक्रेन में जो विवाद हो रहा है, युद्ध शुरू हो चुका है, उसकी शांति के लिए भगवान अतिशीघ्र उनके विचारों को बदले, ऐसी स्थिति प्रस्तुत करे जहां ये सब झंझट समाप्त हों और पुनः पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो। आइए हम सब मिलकर देखिए, निश्चित तौर पर सनातन धर्म ही एक ऐसा है जहां पर कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, हम इस भाषा को, इस बात को, इस भाव को जीवन में कहते ही नहीं हैं, जीते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर हमसे कहे कि भाई अपने धर्म के लिए इतना पॉजिटिव आप क्यों हैं, निश्चित तौर पर वसुधैव कुटुंबकम हम हैं, लेकिन जब हमारे धर्म पर अगर आँच आती है तो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध भी करवाते हैं, परिवारिक जनों को ही आमने सामने खड़ा करते हैं। जानते हो किसके लिए? धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा के लिए। सनातन लोग कभी किसी के धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाते, सनातनियों को बहुतों ने नुकसान पहुंचाया, बहुतों ने नुकसान पहुंचाया। हमारी वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का मिस यूज किया उन्होंने, आज भी हम इसी विचारधारा पर जी रहे हैं। इसीलिए आइए हम और आप सभी दोनों हाथ जोड़ें और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें।